हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट में है अपने पर्सन के साथ, और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस करते हैं, हाँ या ना। क्या जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका वो आपको मिस करता है इस नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में, या फिर वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। सो ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी ज़िंदगी में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपका पर्सन आपको मिस करता है, हाँ या ना। Let's see. Hold on. I hope my phone doesn't fall. But yeah. So देखते हैं कि क्या वो आपको miss करते हैं, जो भी आपका person है, हाँ या ना। Right now no communication चल रही है आप दोनों में। अच्छा, कितने time से no communication है उस पर हम नहीं जाएंगे। Just राइट नाउ यू आर इन नो कम्युनिकेशन, आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है अपने पर्सन के साथ। लेट्स सी कि क्या वो आपको मिस करते हैं, हाँ या ना। क्वीन ऑफ वांड्स, सेक्सुअली आपको मिस करते हैं फॉर श्योर। आपका हाँ, यू नो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका ऑरा है, वो उस इंसान को हमेशा आपकी तरफ पुल करके लाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पर्सन और आपके दरमियान में जो यू नो एक वॉयड है राइट नाउ, उसमें काफ़ी हद तक रीज़न यही रहा हो कि आपका पर्सन यू नो एक्सप्रेसिव नहीं था, और ना ही अब भी कुछ अपनी फीलिंग्स इमोशंस को लेके वो काफ़ी हद तक क्वाइट है। सो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने एंड अप किया हो, या आपके पर्सन ने आपको ख़ुद से पुश अवे कर दिया हो ताकि यू नो चीज़ें टॉक्सिक नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बात करें कि क्या वो आपको मिस करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, तो डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि जो आप उसकी ज़िंदगी में हो या थे वो कोई और नहीं था ना होगा। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पर्सन आपकी पिक्चर्स को, या फिर आपकी चैट्स जो हैं उनको, या ईमेल्स हैं उनको, मुझे लगता है कि जैसे आप यू नो आप पास्ट मेमोरीज़ को रिविजिट करते हो, तो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है कि काफ़ी चल रही है आजकल उसके जहन में। और इट डजेंट मैटर कि रीसेंट नो कांटेक्ट है या पास्ट का, यू नो काफ़ी लॉन्ग टर्म, यू नो लॉन्ग टाइम से आपका नो कांटेक्ट है। बोथ वेज में मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ जो गुड टाइम स्पेंड हुआ है उसके बारे में सोच रहा है। अगर आपका सेक्शुअल कनेक्शन था, तो मुझे लगता है कि एक उसकी यू नो जो एक उसकी जो एक अलग उसका जो एक अलग चार्म था उस कनेक्शन का, उस कनेक्शन को भी वो मिस कर रहा है। तो आपकी तरफ एक सेक्सुअल जो एक उसका यू नो एक अटैचमेंट थी, वो भी उसको यू नो आपके बारे में सोचने पे मजबूर करती है बार बार। एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि somehow उसको कभी कभी जब वो आपके बारे में सोचता है, या शायद आपकी पिक्चर्स देखता है, तो उसको एक डिफरेंट सी फीलिंग होती है, जिससे उसको फील होता है या कभी कभी डर लगता है कि शायद ये प्यार है, क्योंकि शायद उसने कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं किया हो पास्ट में भी, और अब भी शायद वो रेडी नहीं है टू एम्ब्रेस दैट। लेकिन डेफिनेटली वो जब आपको मिस कर रहा है, तो उसको एक अजीब सी फीलिंग हो रही है इस कनेक्शन को लेकर, उसको आपकी तरफ जो पुल फील हो रहा है उसको लेकर। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। चीज़ें बदल रही हैं इस कनेक्शन में, उसका एटीट्यूड, उसका वे ऑफ लुकिंग एट यू और कनेक्शन को, वो भी बदल रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा, अगर आपके पर्सन ने आपको किसी और के लिए भी छोड़ा, इन दैट सिचुएशन टू वो आपके बारे में सोच रहा है, शायद वो उस इंसान के साथ खुश नहीं है, या अगर यू नो सब कुछ उसके दरमियान में और उसके नए पर्सन के दरमियान में सब ठीक भी है, तब भी वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहा है आपका और इस यू नो अपने करंट पर्सन का। बहुत कम लोगों के लिए ऐसी एनर्जी होगी कि जहाँ पे शायद आपके पर्सन किसी और के साथ हो, और शायद अगर ऐसा है तो आपको पता भी होगा, लेकिन स्टिल वो आपके बारे में सोच रहा है, स्टिल वो आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी मोकाज हियर द एम्प्रेस, थ्री ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता है आपका पर्सन, क्योंकि जो आप खुशी से देते हो वो कोई और नहीं दे सकता। तो इसके लिए टू हैव दैट रिकन्सिलिएशन, उसको एक चीज़ पता है,
शादी कमिटमेंट से कम कुछ भी होगा आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस इंसान को, ऐसा उसका मानना है। ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे वो सोचता है जब उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, और वह जब रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचता भी है और खुश भी होता है, तो उसको पता है कि शायद इससे कम पे आप कभी रेडी नहीं होगे। सो इसलिए शायद वो अब तक आपको रीच आउट भी नहीं कर रहा, शायद इसलिए वो अब तक आपके आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले रहा, क्योंकि शायद वो इस कंडीशन में नहीं हो जहाँ पे वो आपके साथ कोई कमिटमेंट दे सके। लेट्स सी मोर कार्ड्स, किंग ऑफ वांड्स। लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए यू आर गोइंग टू एंड अप विद दिस पर्सन। मेजॉरिटी लोगों के लिए आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस है कि आप इसी इंसान के साथ एंड अप करो। करंटली ये पर्सन आपको मिस करते हुए काफ़ी हद तक एक पेन, एक सफरिंग, एक आप चाहते हो कुछ स्टेप लेना एक पर्सन की तरफ, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। एक अजीब सी रिस्ट्रिक्टेड, एक रिस्ट्रिक्शन उसको फील हो रही है, जहाँ पे वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा जबकि वो चाहता भी है। लेट्स टेक अंडरनीथ दैट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको रोक रही हैं, जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले रहा आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए लाइक ऐसा रेडी हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ हो और वो चाहता है कि आपकी तरफ कोई स्टेप ले, क्योंकि आप मेजॉरिटी लोग आप इसी इंसान के साथ एंड अप करोगे, एक दूसरे के साथ होगे आप अल्टीमेटली। शायद इसने पहले आपके प्यार को या आपकी कदर नहीं की, लेकिन अब इसको वो रियलाइजेशन हो रही है। हो सकता है कि पहले इसको लगा हो कि रैंडम कनेक्शन है, फीलिंग्स नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, सेक्सुअल कनेक्शन है, बट अब वो फील कर पा रहा है कि नहीं, ये कुछ और था एंड है। सो वो एनर्जी लग रही है मुझे आपके पर्सन की, तो डेफिनेटली मिस कर रहा है आपका पर्सन। लेट्स टेक के क्या मैसेज है आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसने आपसे कुछ झूठ बोला होगा जब आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुआ या आप दोनों की बातचीत ख़त्म हुई, इसने डेफिनेटली आपसे कुछ झूठ बोला होगा। अगेन हो सकता है कि इसने आपसे कहा हो कि आई डोंट लव यू, आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, या कुछ भी, जो भी हो सकता है उसने आपसे झूठ बोला। लेकिन जो भी झूठ बोला था, जो भी इसने आपसे कहा था शायद कनेक्शन एंड करने के चक्कर में, तो हो सकता है इसने आपसे उस सब के बारे में झूठ बोला हो। डीप डाउन दिस पर्सन ऑलवेज हैड फीलिंग्स, जो कि शायद सप्रेस करता आया है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, कहीं ना कहीं रिग्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है इस इंसान को उन चीज़ों का जो हो चुकी हैं और उन चीज़ों का जो ये करना चाह रहा है बट कर नहीं पा रहा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। कहीं ना कहीं इसने शायद आपसे ये कहा हो कि हम दोनों का कभी भी एक एंडिंग एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती। हो सकता है इसने इसको लगा हो ऐसा उस टाइम पे, और हो सकता है इसने कहा हो आपको कि इसकी फैमिली नहीं मानेगी या नहीं मान रही। हो सकता है ही और शी नेवर टॉक्ड अबाउट इट टू द फैमिली, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि वो भी एक झूठ बोला हो इसने आपसे। लेट्स सी मोर कार्ड्स, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। अच्छा, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसमें इतने गट्स नहीं हो उस टाइम पे जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुआ या बातचीत ख़त्म हुई, जहाँ पे ये कनेक्शन को परसू कर सके फर्दर। हो सकता है इन दैट सिचुएशन इसने आपसे कुछ झूठ बोले हों, जहाँ पे वन ऑफ द लायर्स कुड हैव बीन के फैमिली नहीं मान रही, जहाँ पे शायद उसने खुद ही वो स्टेप नहीं लिया हो इस कनेक्शन को लेकर। सो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में। अब आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, लेकिन इस करंट सिचुएशन को कैसे डील करने की ज़रूरत है आपको, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है इन गिवन सर्कमस्टांसिस में। सर्विस, अच्छा, आपके लिए चैरिटी डोनेशन, किसी भी इंसान को हेल्प करना आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगी समहाउ। इट्स मोर लाइक कि इनडायरेक्ट आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो वो करने की कोशिश करो। जैसे भी थोड़ा बहुत, जैसे भी जितना भी आप करना चाहो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, यू कैन डू दैट, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा समहाउ। मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि किसी और के लिए भी अगर कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर लोगे, तो उससे भी आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो डबल हो सकती हैं। सो ट्राई डूइंग दैट एंड क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट। आप जो भी डिज़ायर करते हो अपने पर्सन के साथ, आपको डेफिनेटली वो मिल सकता है। शायद आप हमेशा से चाहते हो कि आप एंड ये पर्सन एंड अप करें साथ में, लेकिन चीज़ें जो है वो वर्क नहीं कर रही थी, और कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डेफिनेटली पूरी होगी समहाउ। राइट नाउ चीज़ें वैसी नहीं है जैसा आप डिज़ायर करते हो, लेकिन शायद ये एंडिंग जो हुई आप दोनों की, इट वॉज अ मस्ट
टू ब्रिंग यू टू टुगेदर, जहाँ पे आपका पर्सन गिव एंड करे कनेक्शन में, जैसे आप करते आए थे या जैसे आप चाहते थे, जैसे आप यू नो चाहते थे कि शादी करे या कमिट करे. तो मुझे लगता है कि अब वो इस सिचुएशन में हो सकेगा जब वो आपके पास आएगा, जब वो कमिट कर सकेगा, जब वो उस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करता है, अपनी ट्रू फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, और तब आप दोनों का जो साथ आना है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. पैशन, मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट यू नो, आप जो भी डिज़ायर कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर, वंस यू डिसाइड बी पैशनेट अबाउट इट, यू नो बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट. गिवन नहीं करना, सॉरी गिव अप नहीं करना आपने, और गिवन करो जहाँ तक आपका यू नो आपको लगता है कि यू नीड टू वाइल क्रिएटिंग द लाइफ दैट यू डिज़ायर. कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक कार्ड मैं और लूंगी यहाँ पे इसके लिए. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर या ओवरऑल आपकी लव लाइफ में, मुझे लगता है कि आपकी जो डेडिकेशन है वो टेस्ट होगी बाय द हेवंस. किस तरह से होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन होगी. अगेन, शायद आपके लिए सर्कमस्टांसेस अनफेवरेबल जैसे अभी हैं वैसे ही हो कुछ लेटर ऑन भी. उसमें भी आपको सर्विस किसी की करना, किसी की हेल्प करना, गाइड करना फर्दर, यू नो फाइनेंशियली या यू नो मनी वाइज, सॉरी फाइनेंशियली या अदरवाइज, मुझे लगता है कि वो आपको हेल्प करेगा, आपको आपकी जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी उसको पुश अवे कर सकेगा. दूसरा, मुझे लगता है कि आपका जो पैशन है, डेडिकेशन है, दैट विल बी टेस्टेड टू इस इंसान को लेकर. कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में आपकी तरफ कोई और इंसान भी आए, और आप कितने पैशनेट हो इस इंसान को लेकर, और स्पेशली अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो एक फ्यूचर इस इंसान के साथ, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको एक टेम्प्टेड यू नो एक टेम्प्टेशन दिखेगी आते हुए अपने लव अपनी लव लाइफ में, जो कि शायद एक बहुत अच्छा इंसान हो. बट आर यू गोइंग टू गिव इन, या फिर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे? क्योंकि सम हाउ मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि मूव ऑन कर जाओगे अपने यू नो फीलिंग के, शायद आपके लिए यही बेहतर है या शायद यही आपके लिए लिखा गया था. कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो कि मूव ऑन कर जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है लास्ट कार्ड की वजह से. लेकिन मुझे लगता है कि इट्स गन बी मोर ऑफ अ फियरफुल डिसीजन, कि आपको लगेगा कि शायद आपका पर्सन तो आ नहीं रहा, तो अल्टीमेटली यू हैव टू मूव ऑन. तो आप उस सिनेरियो में ये चूज करोगे कि आप कोई भी ऑफर जो आपके रास्ते में आया, आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ. सो वो मुझे दिख रहा है. लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई यू, क्योंकि इट्स मोर गोना बी लाइक अ डिसीजन मेड आउट ऑफ फियरफुल थॉट. तो जब आप फियरफुल होकर किसी चीज़ का डिसीजन लेते हो तो यू ऑलवेज रिग्रेट, जैसा कि आपका पर्सन राइट नाउ रिग्रेट कर रहा है. सो मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है आपके साथ. अगेन, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई मुश्किल घड़ी ना आए जिसको आपके लिए डील करना मुश्किल हो, या आपके लिए एक ऐसी टेंशन क्रिएट हो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगेन मे बी अगर आप किसी को हेल्प करो फाइनेंशली, और किसी की दुआएं अगर आप ले सको, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट थिंग. सो या, आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट. और या, टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.